नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सो आज मैं आपको बताऊंगा फ्राइडे को शेयर मार्केट कैसा था, कौन कौन से स्टॉक टॉप गेनर है, कौन कौन से स्टॉक टॉप लूजर, और साथ ही में कल यानी मंडे को कौन कौन से स्टॉक्स की क्या न्यूज से और बोर्ड मीटिंग को एनालाइज वगैरह से। चलिए शुरू करते हैं। दिस आर ऑल सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज कंसिडर योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर फर्दर डिटेल। दिस डिटेल आई यूज फॉर द एजुकेशन पर्पज ओनली एंड प्लीज सीट ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सबसे पहले हम सेंसेक्स देख लेते हैं, जो कि ओपन होता है 37,175 पे और क्लोज हुआ 37,384 पे। अच्छी रिकवरी देखने को मिली है सेंसेक्स और निफ्टी में, क्योंकि बिकॉज अभी थोड़ा बहुत ऐसे ही चल रहा है। कभी एक दिन रिकवरी देखने को मिली और एक दिन निफ्टी टूटा हुआ सेंसेक्स टूटा हुआ देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात है, फ्राइडे को रिकवरी होकर ही बंद हुई। साथ ही में निफ्टी भी देख लेते, जो कि ओपन हुआ था 10,986 पे, क्लोज हुआ 11,075 पे। तो 93 पॉइंट बढ़कर ही क्लोज हुआ निफ्टी भी। सो मेरे ख्याल से अभी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं टॉप गेनर स्टॉक। सबसे पहले आता है टाइटन कंपनी, जो कि 38 रुपये बढ़ा 38 रुपीज़, जो कि ओपन हुआ था 1,088 पे, क्लोज हुआ 1,124 पे। क्योंकि टाइटन कंपनी की ICRA के जो असाइन कर दिए, ICRA जो इनकी रेटिंग का, साथ ही में कंपनी के जो कॉमर्शियल पेपर है वो वर्थ है 900 करोड़ रुपये के। और कंपनी ने, जैसे कि आप सबको पता है, कंपनी ने थोड़े टाइम पहले 2.8% स्टेक सब्सिडरी की कार्टेक लेंस के साथ 338 रुपये पर शेयर के साथ बाय करी थी, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से टाइटन कंपनी बाय कर सकते हैं। टारगेट और स्टॉक तो आके काम कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके काम कीजिएगा। स्टॉक पे चलते हैं। हीरो हीरो जो कि ओपन हुआ था करीबन 2742 पे, क्लोज हुआ 2771 पे, और 30 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग से बढ़ गए। क्योंकि हीरो की जो रिपोर्ट है वो मिक्स परफॉर्मा के साथ है, साथ ही में जो वीक टू की जो इनकी जो क्वार्टर वन की जो सेल्स है वो करीबन 18.4 लाख है यूनिट्स, और करीबन 12.5% है नेट सेल्स है करीबन 8,030 करोड़ की, जो कि पिछले महीने के हिसाब से, मतलब पिछले सॉरी क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से खाली 8.8% डाउन हुई है। तो इसका फर्क है। तो ये थोड़ा बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से अभी हीरो को बाय मत कीजिए। अगर आपको करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके काम कीजिएगा, साथ ही में टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिएगा। और आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। भारत पेट्रोलियम BPCL। भारत पेट्रोलियम जो कि ओपन हुआ था 385 पे, क्लोज हुआ 408 पे, 24 रुपये बढ़ गए। क्योंकि BPCL ने बोला है जो इसकी गैस ऑनलाइन है टू प्लग सप्लाई गैस, जो गैस ऑनलाइन है जो सप्लाई गैस के साथ होगी, साथ ही में वो कंटिन्यू करेंगे इंपोर्ट गैस ऑनलाइन का, जिसके साथ प्रेजेंट टाइम सप्लाई गैस होगी रिफाइनरीज अंडर ग्रो के साथ, जो कि मेंटेनेंस अपडेट होगी, जिसका प्रोडक्ट क्लीन फ्यूल्स होगा। तो अच्छी बात है, कोई नया स्टेप ले रहे हैं ये BPCL। HPCL भी स्टेप लेगा साथ में, जो BPCL HPCL है ये पेट्रोलियम की कंपनी है। तो अच्छी बात ये है कि दोनों स्टॉक्स आपको, और अगर ये अपडेशन आ जाती है तो एक तरीके से नया लेवल देखने को मिलेगा पेट्रोलियम के हिसाब से। रेट हालांकि थोड़ी बढ़ सकती है, साथ ही में आपको लगेगा और सुविधाजनक आपको हो जाएगा पेट्रोल का, और भरवाने के हिसाब से पेट्रोल का हो गया, डीजल का हो गया, और भी अलग तरीके से। अभी मेरे ख्याल से BPCL बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वॉच करने की जरूरत है। उसके बाद आपको जो भी लगता है टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिएगा, साथ ही में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके बाय कीजिएगा। और साथ ही में जो भी लगता है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से स्टॉक टॉप लूजर रहे। सबसे पहले आता है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी जैसे कि आपको कुछ दिनों से पहले भी बताया था, आप स्टॉक की न्यूज़ में जाके देख सकते हैं, मतलब पुराने वीडियोस में, तो ये कंपनी ने बोला था उन्होंने रिसीव किया था ERI के साथ, USFDA के साथ, जो कि क्लोजर होगा ऑडिट का, फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा जो विशाखापट्टनम में होगा, वो करीबन वो कंप्लीट हुआ था 21 जून 2019 में। तो इनका जो एक वो नया प्लांट विशाखापट्टनम में जो कंप्लीट हुआ था 21 जून 2019 में, जो USFDA से जो उसका जो रिसीव हो गया है, तो अच्छी बात ये है उसमें भी प्लांट मिल रहा है। तो आपको डॉक्टर रेड्डी की जो मेडिसिन है उसमें आपको एक और प्लांट लग रहा है, तो आपको डॉक्टर रेड्डी की मेडिसिन में कट ऑफ देखने को मिल सकता है। साथ ही में डॉक्टर रेड्डी आप बाय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से टारगेट आप रखिएगा, पहला टारगेट 2900 का, दूसरा टारगेट 3200 का, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट है। तो मेरे ख्याल से भी डॉक्टर रेड्डी वॉच करके बाय कर सकते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के ही काम कीजिएगा। नए स्टॉक पे चलते हैं। HDFC बैंक।
एचडीएफसी बैंक की तो ओपन हुआ था 2251 पे, क्लोज हुआ 2259, करीबन 60 रुपये, प्रीवियस क्लोज से 11 रुपये गिर के बंद हुआ। क्योंकि एचडीएफसी बैंक की जो परफॉर्मेंस है, उन्होंने एस्टिमेट जो प्रॉफिट आया था करीबन 5568 करोड़ का आया था, लेकिन जिसके हिसाब से जो एस्टिमेटेड था आया था, लेकिन जो इनकी जो एस्टिमेटेड था वो बहुत हाई थी, उतना नहीं बना। और जो ग्रोथ है करीबन 17% हुई है, लेकिन क्रेडिट लोअर हुए हैं इनके। साथ ही में जो इनका प्रोविज़न है वो करीबन 2614 करोड़ का निकला है, कर क्या बोलते हैं। और इनके जो 29% स्ट्रॉन्ग नील ग्रोथ है, तो इतनी ग्रोथ नहीं है, खाली जो है जो इनका जो एस्टिमेट प्रॉफिट निकाला तो उतना नहीं निकला। तो मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक आपको सोच समझ के ही बाई करना चाहिए था। साथ ही में टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके ही काम कीजिएगा। नए स्टॉक पे चलते हैं, सन फार्मा जो कि ओपन हुआ था 430 पे, क्लोज हुआ 421 पे। क्योंकि सन फार्मा का जो रेवेन्यू करीबन 15.9%, ऑलमोस्ट 16% अच्छा बढ़ा हुआ था। साथ ही में इनका जो 8374 करोड़ का जो मेनली जो ड्यू थी ग्रोथ हुई थी बिजनेस की, तो सेल्स के बाद ग्रोथ हुई थी, तो ये अच्छी बात है सन फार्मा के लिए। तो मेरे ख्याल से आप सन फार्मा बाय कर सकते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस ला के बाय कीजिएगा। एक बार बाजार का मूड देख के बाय कीजिएगा, क्योंकि एक दिन निफ्टी फॉल हो रहा है, दूसरे दिन बढ़ रहा है, 2 दिन फॉल हो रहा है, 1 दिन बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा बहुत मूवमेंट देख कर ही बाय गेन कीजिएगा। आज भी निफ्टी लगभग माइनस में चढ़ा, 1.5 रुपये, 1.5 बजे के बाद थोड़ा उठा हुआ दिखा, उठा हुआ क्या शानदार उठा हुआ बंद हुआ था फिर। तो मेरे ख्याल से अभी आप सन फार्मा को बाय कर सकते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस ला के बाय कीजिएगा। एक बार बाजार देख के ही बाय कीजिएगा, साथ ही में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके काम कीजिएगा। नए स्टॉक पे चलते हैं, अब देखते हैं कल के लिए कौन कौन से स्टॉक्स की क्या न्यूज़ है। सबसे पहले आता है दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड, DHFL, जो कि ओपन हुआ था 50 रुपये पे, क्लोज हुआ 50 रुपये 70 पैसे पे, प्रीवियस क्लोजिंग से करीबन 55.1 पैसे गिरा हुआ, यानी 1.07%। क्योंकि DHFL कंपनी की जो डिफॉल्ट पेमेंट है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ जो एनडीए की बताई गई, वो 197 करोड़ है, वो उनको पेमेंट करना है, डिफॉल्ट पेमेंट है क्या बोलते हैं। सो मेरे हिसाब से ये जल्दी आ जाए, ये पेमेंट की डेट भी और भी पेमेंट है इनकी बकाया, जल्दी से एक बार ये पेमेंट का क्लियर हो, फिर उसके बाद देखते हैं हम। अभी मैं वही राय दूंगा, DHFL बाय मत कीजिएगा, आपके पास पड़े हैं तो वॉच लिस्ट में डाल के रखिएगा साथ ही में। और आपको जो भी लगता है टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके बाय कीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग बिल्कुल मत कीजिएगा DHFL में। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, बायोकॉन, चाइना के साथ मिलके मर्जर, मतलब मर्जर है इस फॉर्मूले के साथ मिलके, पार्टनरशिप या मर्जर कुछ भी कर लो, उसमें ये प्रोड्यूस करेगी। सो अच्छी बात ये है कि भारत की कंपनी के साथ कर रही है, इनको और भी कुछ बेनिफिट हो सकते हैं, देखते हैं कि क्या होता है जब ये प्रोड्यूस करेगी, क्या लॉस क्या नफ़ा होता है। सो थोड़ा वॉच करिएगा, तो मेरे ख्याल से आप वॉच कर सकते हैं, और आपको जो भी लगता है टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिएगा, साथ ही में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके ही काम कीजिएगा। शॉप पे चलते हैं, L&T फाइनेंस कंपनी ने, L&T फाइनेंस जो कि ओपन हुआ था 96.15, क्लोज हुआ 93.55, करीबन 2 रुपये 60 पैसे बढ़ के। क्योंकि कंपनी के जो कंसिडरेशन है, जो राइजिंग है करीबन 150 करोड़ का, वो प्रिफरेंस शेयर से होगा। जो कंपनी के, जैसे कि आपको मैं पहले भी बताया था, कंपनी राइज करेगी कुछ शेयर वगैरह, वो राइज करेगी प्रिफरेंस शेयर से, वो 150 करोड़ करीबन राइज करने की सोच रही है। साथ ही में वो कंपनी कंसीडर करेगी, देखते हैं राइज होता है नहीं होता, मेरे ख्याल से हो ही जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये वो पक्की खबर भी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से आप L&T हाउसिंग फाइनेंस एक बार थोड़ा वॉच करके बाय कीजिएगा, नेक्स्ट न्यूज जैसी आएगी आपको बता दी जाएगा, और टारगेट और स्टॉप लॉस आके बाय कीजिएगा, साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके काम कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि ओपन हुआ था 100 रुपये पे, क्लोज हुआ करीबन 100 रुपये 80 पैसे पे, ओपन हुआ था क्लोज हुआ 100 रुपये पे, और क्या बोलते हैं 1.10 रुपये गिरा हुआ था प्रीवियस क्लोजिंग। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीख से टू सेल हो गए देना बैंक को, हेड क्वार्टर करीबन 530 करोड़ के। सो बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे ख्याल से अभी बाय मत कीजिएगा, क्योंकि इनके जो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ब्लॉक और हेडक्वार्टर्स ने जो देना बैंक के साथ जो फाइनेंशियल कैपिटल जो रिवाइज रिजर्व हुई है, वो करीबन 530 करोड़ की हुई है। और जो प्रॉपर्टी सिचुएशन है, वो बांद्रा कुर्ला जो कॉम्प्लेक्स सेंटर था, उनके साथ जो डिस्ट्रिक्ट लैंड्स हैं करीबन, उनके जो है 2878
स्क्वायर मीटर की, वो बिल्ड होगी 9953 स्क्वायर मीटर पे, बिल्ड एरिया इतना है और लैंड का एरिया देखते हैं कि क्या निकलता है। और एक बार ही देना बैंक के साथ जो हुआ है उसमें और क्या रिपोर्ट देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से अभी बैंक ऑफ बड़ौदा को वॉच कीजिएगा और आपको जो भी लगता है टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिएगा, साथ ही में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके काम कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं, अब देखते हैं बोर्ड मीटिंग और एनालिसिस वगैरह। ओरिएंटल बैंक की होगी 18 सितंबर को बिजनेस मैटर के साथ, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस की 17 सितंबर को है करीबन फंड राइजिंग की, अलाहाबाद बैंक 16 सितंबर को होगी बिजनेस मैटर इनकी, और बजाज फाइनेंस सितंबर को आई। ये कुछ बोर्ड मीटिंग वगैरह थी, मेरे ख्याल से आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, साथ ही में टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके काम कीजिएगा, और आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Thank you for watching. If you like our video, hit the like button and subscribe to our channel, and never forget to press the bell icon to get latest videos update.